अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण चटपटा, किचन विद किरण से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़े के सवैयों का जरदा बनने जा रहे हैं। चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। एक पैकेट है मेरे पास सवैयाँ, ये मेरे पास 4 टेबल स्पून जो है किशमिश है, बादाम है मेरे पास चार से पाँच अदद, इलायचियाँ हैं 7 से 8 अदद, और ये मेरे पास क्रश्ड हुआ हुआ खोपरा है तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये मेरे पास सिरप है शुगर का, 1 कप चीनी ली थी, उसे 2 कप मैंने पानी डालकर पका लिया था। ये मैंने इसलिए रेडी करके रख लिया था कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो हमारा। 1 कप घी है, इसे हम अपने फ्राई पैन में डाल देंगे और हल्का सा गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें सवैयाँ फ्राई करेंगे। जब तक ये गर्म होता है हम थोड़ा सा इसका वेट कर लेंगे, उसके बाद इसमें सवैयाँ शामिल करेंगे। ये देखिए जी, ये हल्का सा गर्म हो गया था। अच्छा, ज़्यादा आंच नहीं करनी हरगिज़ पे, आपने बहुत जो हल्की वाली आंच होती है ना उस पे हमने इसे पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने सवैयाँ डाल दी थी और इसे आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू कर दिया था। आप एकदम से भूनेंगे ना इसे तेज़ आँच पर तो ये सारी काली हो जाएंगी और आपकी जो सवैयों का जरदा है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा इसको लो फ्लेम पे फ्राई आराम से फ्राई कर लें। ये देखिए जी, हमारी सवैयाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता भुनना शुरू हो गई थी, तो बाकी जो हम काम है वो बाद में इसमें करेंगे। अच्छा, मैं इलायची डालना भूल गई थी, आप इलायची जब ऑयल गर्म हो जाए तभी डाल दीजिएगा, मैंने बाद में डाली थी। यहाँ पे मैंने इलायची शामिल कर दी थी, इसके बाद हल्का सा इसे फिर से भून लिया था, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। ये देखें, अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता से जो मैंने सिरप बना के रखा था वो भी शामिल कर दूँगी। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता और आराम से शामिल कीजिएगा, क्योंकि सिरप गर्म होता है तो एकदम से कहीं आपके ऊपर उसके छींटे ना आ जाएं। यहाँ पे मैंने सिरप शामिल करने के बाद जो है इसे अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया था फटाफट से, ताकि ये जो है सिरप डालने के बाद, हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम मीठी चीज़ में सिरप डालें चीनी का तो उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए जी, मिक्स कर लिया था, बाद में मैंने इसमें किशमिश, बादाम और खोपरा जो मैंने आपको बताया था वो मैंने सब कुछ इसमें शामिल कर लिया था। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है, मैंने नहीं डाला था। अच्छा जी, खोपरा डालने के बाद मैंने इसमें बादाम भी शामिल कर दिया था। खोपरा मैंने इसलिए क्रश कर लिया था ताकि जो बच्चे हैं ना वो निकाल देते हैं, बड़ा बड़ा सा होते हैं ना वो मुँह में आते हैं तो वो फेंक देते हैं, तो इसलिए इसी तरह से डालिएगा आप भी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती हैं और फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत मज़े की बनती हैं। अक्सर हम रात को बैठे होते हैं, हमारा कुछ खाने को मीठा दिल करे तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, अब मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब तक हमारा जो है सिरप का पानी खुश्क नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही इसका जो शीरे का पानी है वो, ये देखिए जी, खुश्क हो गया है, अब हम इसे तकरीबन ये रेडी हो चुका हुआ है और मैंने बहुत ही लो फ्लेम पे इसे पकाया है, आँच तेज़ नहीं करेंगे। अब हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना ये जल जाएंगी। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए जी, सवैयों का जरदा हमारा तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।